गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर एंड टुडे आई विल टीच यू मैथ्स ऑफ क्लास वन. नाउ टुडे वी कंटिन्यू चैप्टर थ्री, नंबर्स अप टू 100. एंड टुडे वी डू एक्सरसाइज 3.2, पेज नंबर 33 एंड 34. सो दिस इज योर मैथ्स बुक, मैथ्स ऑफ क्लास वन. सो ओपन एक्सरसाइज 3.2. दिस इज द एक्सरसाइज 3.2 एंड पेज नंबर 33. फर्स्ट वी डू ए पार्ट, राइट द रिवर्स काउंटिंग. बच्चों यहाँ पे देखिए, रिवर्स काउंटिंग यानी कि बैक काउंटिंग है. ये 71 से शुरू हैं और हमें इनको काउंट करते हुए 29 तक रिवर्स में यानी कि बैक में लिखना है. देखिए 71 से बैक का मतलब है हमें पीछे की तरफ जाना है. तो 71 से पहले क्या होगा, यानी बिफोर 71 कौन सा नंबर होता है, 70. तो हम यहाँ पर 7070 लिखेंगे, यानी 11 नंबर हम कम करते जाएंगे. ओके, एक एक स्टेप हम पीछे जाएंगे. फिर 70 में फिर हम 1 कम करेंगे यानी कि लेस करेंगे. तो 70 में 1 लेस करेंगे 69. फिर 69 में हमने 1 लेस कर दिया तो 68, वो यहाँ पे लिखा हुआ है. अब 68 में 1 लेस करेंगे हम 67. अब इसमें हम लेस करेंगे तो 66. फिर देखिए यहाँ पे 65 है, इसके 1 लेस करके 65 आता है जो कि लिखा हुआ है. अब इसमें हम 1 लेस कर देंगे तो 64. इसी तरह से फिर हम इसमें 1 लेस करेंगे देन 63. अब हम इसमें लेस करेंगे तो बच्चों क्या नंबर होगा, 62 जो कि लिखा हुआ है. अब इसी तरह से देखिए, ये हमने एक लाइन हमने कंप्लीट कर ली. अब ये देखो 22 से शुरू हो रहा है बच्चों. अब ये लाइन हमें 13 पे ख़त्म हो रही है. तब इस लाइन को भी हमें क्या करना है, रिवर्स में लिखना है यानी कि बैक काउंटिंग करनी है. तो ये 22 है, 22 से 1 लेस कितना होगा बच्चों, 21. फिर 20, अब 20 में 1 लेस करेंगे 19. अब 19 में 1 लेस कर दो यानी कि एक नंबर और हम बैक में जाएंगे तो 18 मिलेगा. अब 18 में हम 1 लेस करेंगे 17. अब 17 में से फिर से 1 कम कर दो तो क्या हो जाएगा, 16. इसी तरह से 1 लेस करेंगे 16 में यानी एक नंबर हम और पीछे जाएंगे 15. फिर और बैक जाएंगे 15 में 1 लेस करेंगे 14. फिर हमारा 13 आ जाएगा. इसी तरह से ये लाइन हमारी देखो कहाँ से शुरू हो रही है, 94 से. तो 94 में हम 1 लेस करेंगे बच्चों तो यहाँ आ जाएगा 93. अब 93 में 1 लेस करेंगे 92. अब 92 में 1 लेस करेंगे तो 91 ये लिखा हुआ है. अब 91 में फिर से 1 कम कर देंगे यानी कि लेस कर देंगे तो यहाँ बचेगा 90. अब 90 में 1 लेस करेंगे तो बचेगा 89. अब 89 में हमने 1 लेस कर दिया तो 88 जो लिखा हुआ है. अब 88 में 1 लेस कर देंगे तो कौन सा नंबर आएगा बच्चों, 87. अब 87 में 1 लेस करो यानी कम कर दो एक और, 86. देन 1 लेस करेंगे 85 जो लिखा हुआ है. अब देखिए, अब ये लाइन देखिए, ये 66 से शुरू हो रही है. तो 66 में बच्चों 1 नंबर हम लेस करेंगे तो कितना होगा, 65. इसी तरह से 65 में हमने 1 लेस किया 64 में हम लेस करेंगे 63. फिर हम लेस करेंगे 62. इसमें हम लेस करेंगे तो 61 जो लिखा हुआ है. अब 61 में हम 1 लेस करेंगे तो कौन सा नंबर मिलेगा, 60. इसी तरह से 60 में फिर से हम 1 लेस करेंगे 59.
59 में 1 लेस करेंगे 58, फिर इसमें हम 1 लेस करेंगे तो 57 जो लिखा हुआ है। इसी तरह से देखिए आप, ये लास्ट लाइन है हमारी, सेम इसी तरह से करनी है। कौन सा नंबर है बच्चों ये पहचानो, ओ ये 38 है। अब 38 में से 1 कम कर दो, यानी आपने एक ट्रॉफी अपनी छोटी सिस्टर को दे दी, तो कितनी ट्रॉफी होंगी 37, यानी एक कम हो गई। अब एक ट्रॉफी आपने और दे दी तो कितनी बचेंगी 36। अब आपने एक और कम कर दी यानी कि 1 हमने और लेस कर दिया 35। इसी तरह से आप इसमें 1 लेस करेंगे 34, फिर से हम 1 लेस करेंगे इसमें तो 33 में 1 लेस करेंगे 32। इसी तरह से बच्चों 32 में जब हम 1 लेस करेंगे यानी कि कम करेंगे तो हमें मिलेगा 31। अब 31 में फिर से हमने 1 लेस किया तो वी गेट 30, एंड आफ्टर 30 व्हेन वी लेस 1 वी गेट 29। जब हम 30 में से 1 लेस करेंगे तो हमें 29 मिलेगा जो कि लिखा हुआ है। इस तरह से बच्चों हमने ये क्या किया, रिवर्स काउंटिंग यानी बैक काउंटिंग लिखी है। अब देखिए बी, इसमें क्या करना है, राइट व्हाट कम्स बिफोर, बिफोर मीन्स पहले, यानी बैक में जाना है। अब जैसे 68 है तो 68 से पहले कौन सा आता है 67। इसी तरह से देखिए 71 है, 71 से पहले कौन सा नंबर आता है यानी कि जब हम बैक में जाते हैं तो 70, क्योंकि 70 के बाद है ना ये 71। इसी तरह से 28 से पहले कौन सा होगा बिफोर, बिफोर 28 तो ये 1 हम कम कर देंगे तो ये 8 का 7 हो जाएगा 27, 28 फिर से पहले 27 आया। इसी तरह से इसे देखिए, ये 98 है, 98 से पहले एक नंबर हम 1 लेस कर देंगे तो 97। इसी तरह से ये 61 है, 61 से पहले 60, अब ये 67 है तो 67 में 1 कम कर देंगे, बिफोर का नंबर 1 कम करना है यानी पीछे जाना है 1 नंबर बैक तो 66। इसी तरह से ये है 89, 89 से बिफोर यानी पहले वाला नंबर तो 88। इसी तरह से देखो ये 43 है, 43 में बिफोर यानी इससे पहले कौन सा नंबर होगा 42, एक नंबर कम लिखेंगे, बिफोर में एक नंबर कम करके लिखते हैं। ये 75 है, 75 में हम 1 कम कर देंगे बच्चों तो 74, अभी देखो 74 के बाद 75 आता है इसलिए यानी कि इससे पहले 74 होगा एक कम। इसी तरह से यहाँ देखिए ये है 70, तो 70 से पहले बच्चों कौन सा नंबर होता है 69, 69 के बाद आता है ना 70 तो ये 69 आएगा। इसी तरह से 50 से पहले 49, 49 50, अब ये है 82, 82 से पहले 81 यानी बिफोर 82 वी गेट 81। नाउ सी सी पार्ट, राइट व्हाट कम्स आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है बच्चों बाद में, आगे वाला नंबर यानी 56 है, इसके आफ्टर यानी इसके बाद आगे का नंबर कौन सा है यानी एक नंबर आगे जाना है यानी कि प्लस करना है। तो 56 के बाद नेक्स्ट नंबर होता है 57। इसी तरह से देखो ये 65 है, 65 के बाद 66, अब ये 76 है तो 76 के आफ्टर मीन्स बाद में, तो आफ्टर कौन सा नंबर होगा 77। तो फिर 54, फिर यहाँ कौन सा नंबर आएगा 55, 97,
88 है, 88 के बाद 89। तो ये हैं हमारे आफ्टर, यानी आगे वाले बाद के नंबर। इसी तरह से देखिए ये क्या है 60, तो 60 के आफ्टर कौन सा होगा 61, 48 के आफ्टर 49, अभी 99 के आफ्टर 100। उसी तरह से इसे देखिए 59 के आफ्टर कौन सा होता है 60, 72 के आफ्टर यानी बाद में 72, 73, 24, 25, तो ये इसके आफ्टर है 24 के आफ्टर 25। नाउ सी डी पार्ट, दिस इज द डी पार्ट। नाउ राइट द नंबर्स बिटवीन, बिटवीन का मतलब होता है बच्चों बीच में। देखिए यहाँ पे ये टू नंबर्स लिखे हुए हैं, एक 68 है और जो दूसरा है वो 70। इन दोनों के बीच वाला नंबर लिखना है, यानी इन दोनों के बिटवीन में कौन सा नंबर होता है। बिटवीन मतलब बीच में। तो देखो ये का नंबर कौन सा है 68 और ये 70, तो 68 के बाद बच्चों कौन सा नंबर आता है 69, फिर 70, कलम यहाँ 69 लिखेंगे। इसी तरह से सबको फिल करेंगे हम, 55 के बाद 56, 57 सही है। अब ये है 48, 48 के बाद क्या आता है 49, 50। अब देखिए यहाँ पर ये है 64 के बाद कौन सा नंबर होगा 65, 66 लिखा हुआ है, ये 69 है, 69 के बाद 70, 71, ये तीनों नंबर सही है कि बीच में है। ये है 75 के बाद 76 और ये 77, तो ये बीच में आ गया। यहाँ देखिए ये है 77, तो इसके बाद में क्या आता है बच्चों 78, फिर 79, तो ये बीच में यानी बिटवीन में आ गया। 82 फिर क्या आएगा 83, फिर 84, ये है 87, फिर लिखेंगे हम 88 और 89। तो ये क्या है इन दोनों नंबर्स के बिटवीन वाले नंबर। अब देखो ये 49 और ये 51, तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा 49 के बाद आता है 50 और ये 51, 50 आ गया। ये है 98 के बाद 99, फिर 100। देखो ये 89 और 89 के बाद 90, 90, फिर 91, तो ये हमारा बिटवीन में आ गया। तो इसी तरह से बच्चों ये हमने नंबर बिटवीन में लिखे हैं कि टू नंबर्स के बीच में कौन सा नंबर है। सी ई पार्ट, राइट व्हाट कम्स बिफोर एंड आफ्टर। इसमें बिफोर और आफ्टर लिखना है, ये नंबर है इसके बिफोर क्या होगा और इसके आफ्टर क्या होगा। तो देखिए ये नंबर है, जैसे देखो ये हमारा 68 यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे पहले 67 है और ये 69 है, तो हमें अब ये 82 है, तो 82 से पहले क्या होगा 81 और इसके बाद 83, यानी ये जो नंबर है इससे पहले वाला यानी बिफोर और आफ्टर मीन्स बाद वाला आगे का नंबर, दोनों नंबर लिखने हैं। देखो ये 98 है, 98 से पहले 97 और फिर 98 के आफ्टर 99, तो ये बिफोर है और ये आफ्टर है। इसी तरह से इसे देखिए ये क्या है 60, तो 60 से बिफोर यानी पहले 59 आएगा और 60 के आफ्टर 61। इसी तरह से देखो
ये है 94 से बिफोर, यानी एक कम करना है 93 और 94 के आफ्टर 95। यहाँ बिफोर लिखना है और यहाँ आफ्टर लिखना है। तो ये है 39, 39 से बिफोर 38 होगा। बिफोर में एक नंबर हम कम लिखते हैं और 39 के आफ्टर 40 एक नंबर आगे का लिखते हैं। तो ये ऐसे बिफोर और आफ्टर नंबर हमें लिखना है। इसी तरह से इसे देख लीजिए 79, 79 से बिफोर 78 और 79 के आफ्टर 80, 80। 31 से बिफोर 30, 31 के आफ्टर 32, इसके बाद का नंबर है 32। अब ये है 63। तो बच्चों 63 से बिफोर यानी वन नंबर लेस करके कौन सा नंबर होगा, 62, और 63 के आफ्टर 64। तो बच्चों ये लाइन आप अपने आप करेंगे, ये नंबर लिखा हुआ है इससे यहाँ पे बिफोर लिखना है और यहाँ आफ्टर, इसी तरह से यहाँ पे बिफोर और यहाँ आफ्टर। सो दिस एक्सरसाइज एंड दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।